उदाहरण 14, वर्ग समीकरण 2x2 ऋण 7x - 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल 2x2 ऋण 7x - 3 बराबर 0। यहाँ पे हम धन 3 का पक्षांतर करेंगे, 2x2 ऋण 7x बराबर ऋण 3। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब हम दोनों पक्षों से में 2 से भाग देंगे तो हमें 2x2/2 करेंगे तो x2 मिलेगा, ऋण 7/2x बराबर ऋण 3/2। दोनों पक्षों में हमने यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद या x2 ऋण, इसे हम लिखेंगे सर्वसमिका का प्रयोग करने के लिए 2x गुणा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो 1/2 हम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास x प्राप्त होगा, गुणा 7/2 बराबर ऋण 3/2। हमने 7/2 को लिखा है, 7/2x को लिखा है, 2x गुणा 1/2, 2 कट जाएगा तो 7/2 ही हमें प्राप्त होगा। या x2 ऋण 2x गुणा 7/4, तो 2x का गुणांक हमारे पास 7/4 है, तो यहाँ हम दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग का योग करेंगे, दोनों पक्षों में 7/4 / 2 बराबर ऋण 3/2 धन 7/4/2। या एक x2 ऋण 2x गुणा 7/4 धन 7/4/2 को हम लिखेंगे, x ऋण 7/4/2 बराबर ऋण 3/2 धन 49/16। या x ऋण 7/4/2 बराबर लघुत्तम हमारा आया 16, 16 को 2 से भाग किए तो 8 गुणा ऋण 3 बराबर ऋण 24 धन 49। या x ऋण 7/4/2 बराबर 25/16। या x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण, वर्ग का पक्षांतर करें तो वर्गमूल 25/16। हमें प्राप्त हुआ था x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 25/16। या x ऋण 7/4 बराबर धन ऋण वर्गमूल 25/16 का आ जाएगा 5/4। धन चिन्ह लेने पर x ऋण 7/4 बराबर धन 5/4। या पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा 5/4, ऋण 7/4 को पक्षांतर करेंगे तो धन 7/4। या x बराबर 4
पाँच धन सात, या x बराबर बारह बट्टा चार, या x बराबर तीन। ये हमारा पहला हल है। उसी तरह से ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर x ऋण सात बटा चार बराबर ऋण पाँच बटा चार, या x बराबर ऋण पाँच बटा चार धन, पक्षांतर करेंगे तो सात बटा चार, या x बराबर लघुत्तम चार आएगा तो ऋण पाँच धन सात, या x बराबर दो बटा चार, या x बराबर दो एकम दो, दो दूनी चार, एक बटा दो। इस तरह से हमें x के दो मान मिले, x बराबर तीन और x बराबर एक बटा दो। तो यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, इन वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। पहला, x का वर्ग ऋण तीन बटे चार एक्स धन तीन बराबर शून्य। दूसरा, दो एक्स का वर्ग धन पाँच एक्स धन तीन बराबर शून्य। तीसरा, नौ एक्स का वर्ग ऋण पंद्रह एक्स धन छः बराबर शून्य।